दोस्तों नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने के बाद समय समय पर SBI अकाउंट का KYC करना पड़ता है। तो सवाल यह आता है, तो फिर कैसे पता करें कि हमारे SBI अकाउंट का KYC हुआ है या नहीं? तो चलिए मैं आपको गजब की जानकारी देता हूँ इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको योनो SBI एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको MPIN से लॉगिन करना है या फिर यूजर नेम पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस बताया जाए तो यहाँ पे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद व्यू अवेलेबल फंड्स पे आप क्लिक करेंगे। तो हम नहीं बोल रहे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक ऐसा ही तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट का KYC हुआ है या नहीं हुआ है। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पे फंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ये फंड सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलता है या कुछ एरर आता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो है अकाउंट का SBI अकाउंट का KYC नहीं हुआ, जो कि मेरे अकाउंट का भी KYC नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा शो कर रहा है। अगर आपके अकाउंट में कुछ इस तरह का शो कर रहा है योर पैन इज KYC वेरीफाइड, तो आप समझ जाइए कि आपके SBI अकाउंट का KYC जो है कम्प्लीट है, वेरीफाइड है। अगर कुछ इस तरह का एरर शो करता है तो आप समझ जाइए मेरे अकाउंट का SBI अकाउंट का KYC नहीं है। तो इस तरह से आप अपने SBI अकाउंट का KYC चेक कर सकते हैं हुआ है या नहीं हुआ। वैसे KYC करने का दो तरीका है, एक तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, एक ऑफलाइन करवा सकते हैं। ऑफलाइन आप बैंक में जाके तुरंत ही आपका KYC हो जाएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड पासबुक लेके जाएंगे तो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, अगर आपके खाते में ईमेल लिंक है, उसी ईमेल रजिस्टर से आपको पैन कार्ड आधार कार्ड का फोटो और पासबुक का फोटो और अकाउंट का डिटेल्स मेल करना पड़ेगा, SBI अकाउंट का KYC कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बैंक में जाएंगे तो तुरंत ही आपका KYC कंप्लीट करा दिया जाएगा।